नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के शुभ अवसर पर जगन्नाथ महाप्रभु भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर स्वास्थ्य लाभ के लिए पहुंचे मौसीबाड़ी। इस दृश्य को देखने सड़कों पर उतरे हजारों भक्त। जमशेदपुर स्थित वन विभाग परिसर में 69वां वन महोत्सव का किया गया आयोजन। स्कूली बच्चों के साथ राज्य के मंत्री सरयू राय ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। जमशेदपुर पुलिस लाइन में झारखंड सशस्त्र पुलिस बल के पारण परेड का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर चैप डीआईजी सुधीर कुमार झा हुए शामिल। जवानों का बढ़ाया उन्होंने उत्साह। चोरी के मामले में गिरफ्तार अपराधी बादल मुखी थाने के कमरे का ग्रिल तोड़कर हुआ फरार। पुलिस अधिकारियों में खलबली, जारी है छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को भगवान महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी निकाली गई। रथ पर भगवान सवार होकर स्वास्थ्य लाभ हेतु मौसीबाड़ी के लिए निकले भक्तों की भारी भीड़ इस दौरान देखने को मिली। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसीबाड़ी स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं और इसी समय भगवान अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान के रथ को भक्त ही खींचकर मौसीबाड़ी तक लिए चलते हैं। जमशेदपुर शहर में रथ यात्रा की धूम देखी गई। मंत्रोच्चार के साथ पूरा शहर महाप्रभु की भक्ति में लीन नजर आ रहा था। सभी जगह जय जगन्नाथ के जयकारे लग रहे थे। 10 दिनों तक मौसीबाड़ी में स्वास्थ्य लाभ के बाद महाप्रभु वापस लौटेंगे। जमशेदपुर के मानगो वन विभाग परिसर में 69वां वन महोत्सव का आयोजन शनिवार को किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ साथ राज्य के मंत्री सरयू राय भी उपस्थित हुए। इनके द्वारा पूरे परिसर में बड़ी संख्या में पौधारोपण किया गया। वन संरक्षण का संदेश प्रत्येक वर्ग के लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग हर वर्ष वन महोत्सव का आयोजन करती है। इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के मंत्री सरयू राय उपस्थित थे। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री सरयू राय तथा सभी स्कूली बच्चों ने मिलकर पूरे परिसर में बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। बातचीत के क्रम में मंत्री सरयू राय ने कहा कि वन ही जीवन है और अगर पेड़ पौधे बचे रहेंगे तभी जीवन संभव है। इस कारण से सभी को अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगानी चाहिए, साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जुलाई 1 से 31 जुलाई तक वन महोत्सव बनाने का निर्णय बहुत पहले भारत की सरकार ने किया है। इधर कुछ वर्षों से वन विभाग ने इसमें बड़ी रुचि ली है और इसमें चाहते हैं कि पूरे महीने हम जो कार्यक्रम करें उसमें समाज के भी अलग अलग तबके के लोग आएँ और ख़ास करके जो नदियां हमारी हैं उनके किनारे इस बार पेड़ लगाने की बात शुरू हो गई है। तो ये पेड़ लगेंगे तो नदियों का जीवन इससे अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो ये इस बार बहुत अच्छी स्थिति बनी है कि नदियों को उन्होंने चुना है। अगर राज्य की सरकार एक रिवर पॉलिसी भी बना देती है तो ये जो पेड़ लगा रहे हैं उस पेड़ का इस्तेमाल भी अलग हो सकता है
और नदी किनारे कितना दूर तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं करें ये नोटिफाइड हो जाएगा। तो इस साल वन महोत्सव नदी महोत्सव के रूप में भी मनाया गया है, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आज ये पार्क हम लोगों का बना है, वीरान जगह थी, इसी तरह से तीन पार्क यहाँ बने हैं और दो तीन पार्क बनने वाले हैं। तो वन महोत्सव के लिए ये पार्क भी एक संदेश देने का काम करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि इन पार्कों में शिक्षण की भी शिक्षा की भी व्यवस्था हो, समाज के लोग आए समझें जाने ये पौधा क्या है, कहाँ पाया जाता है, राज्य में जितने भी तरह की प्रजातियाँ हैं वृक्षों की उन सबों को हम लोग चाहते हैं कि एक दो पेड़ सभी के यहाँ पर लग जाएं। जमशेदपुर पुलिस लाइन में झारखंड सशस्त्र पुलिस बल के पारंग परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के 10 जिलों से कुल 743 जवानों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जैप के DIG सुधीर कुमार झा शामिल हुए। मुख्य रूप से जैप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जवानों के बुनियादी प्रशिक्षण पूरे होने के बाद पारण परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें जवानों को पूरी आस्था और निष्ठा के साथ जनता की सेवा का शपथ दिलवाई जाती है। इस बार कुल 10 जिलों से जैप के जवानों को इसमें शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण कराने वाले कुल 743 जवानों में 580 पुरुष जवान व 163 महिला जवान शामिल है। मौके पर उपस्थित जैप के DIG सुधीर कुमार झा ने इस दौरान सभी जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जवान आगे चलकर जनता और मानवता की सेवा करेंगे। इन्होंने कहा कि पुलिस की कोई जाति या धर्म नहीं होती, पुलिस केवल और केवल मानवता और जनता की सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं और पुलिस कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी की भी नहीं होती। मानवता की सेवा का संकल्प पुलिस के जवान लेते हैं और जीवन भर उसी रास्ते पर वे आगे बढ़ते हैं। हमारे परिवार में कुछ नव आगंतुक आए हैं, यहाँ आने का मकसद मेरा पहला मकसद यह था कि मैं उनका स्वागत करूं। जो संकल्प उन्होंने लिया है उनको मैं बार बार याद कराऊं। जो कर्म भूमि का मूल उद्देश्य है उसके बारे में मैं उन्हें बताऊं। सबका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं कि हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारी एक ही जाति है पुलिस की जाति, हमारा एक ही धर्म है मानव धर्म, जिसका आजीवन हमको पालन करना चाहिए, उस रास्ते पर टिके रहना चाहिए। हम किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, जैसा कि संकल्प पढ़ा गया। मैं बार बार उनको यही याद दिलाने के लिए आया था और मैं समझता हूँ कि जो कठिन डगर है हमारी उस पर वो चलेंगे और जो विघ्न बाधा आवेगी वो निपट लेंगे। जमशेदपुर के कदमा थाने से अपराधी बादल मुखी थाने के कमरे का ग्रिल तोड़कर फरार हो गया। इस घटना के बाद थाने में पुलिस अधिकारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अपराधी बादल को कल देर रात कदमा पुलिस ने चोरी के मामले में उलियान चौक से गिरफ्तार किया था और थाने लेकर पूछताछ कर रही थी, तभी उसे हाजत से निकालकर थाने के कमरे में रखा गया था, जिसके बाद अपराधी बादल मुखी पुलिस को चकमा देकर रूम के ग्रिल को तोड़कर फरार हो गया। घटना सुबह सुबह की है। थाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों को जैसे नींद आई तभी मौका देखकर अपराधी बादल मुखी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं अपराधी बादल मुखी कई बार चोरी के मामले में जेल जा चुका है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी सपने करे साकार, सुकन्या समृद्धि योजना लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा।
18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के व्यवहार न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल केस, बैंक लोन, घरेलू मामले आदि का निष्पादन किया गया। इस बाबत कुल 10 बेंच लगाए गए थे। शनिवार को आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया। वैसे जब से लोक अदालत की प्रणाली शुरू की गई है, तब से न्यायालयों में छोटे मोटे मामलों का निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से त्वरित रूप से किया जाता है। इस बार कुल 10 बेंच लगाए गए थे, जिसमें सिविल केस, बैंक लोन, घरेलू विवाद जैसे 500 मामलों का निष्पादन यहाँ किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादातर बैंक से संबंधित मामले आते हैं, जो दोनों पक्षों के आपसी समझौते से आसानी से खत्म किया जा सकता है। और लोक अदालत का भी प्रयास यही रहता है कि मामलों का सही और त्वरित निष्पादन किया जाए। मैं लोक अदालत के लिए आज टोटल 10 बेंच का गठन किया गया है, और इसमें सिविल कोर्ट का जितना क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस है, सिविल डिस्प्यूट है, फॉरेस्ट एक्ट, एक्साइज एक्ट, तरह का जितने जो कोर्ट पेंडिंग केसेस है उसका निष्पादन बेंच बनाया गया है। बाकी प्री लिटिगेशन केसेस जैसे बैंक का लोन वगैरह या और भी जो जो प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट है उसका निष्पादन के लिए भी बेंच बनाया गया है। रथयात्रा के दिन फिर भी हम लोग इस तरह का देख बाधेदारी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोर देन 500 का आज के दिन में निष्पादन हो सकता है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मोर देन 500 केसेस। नेशनल लोक अदालत में सबसे ज़्यादा हम लोग का बैंक रिलेटेड डिस्प्यूट का ज़्यादा आता है, क्योंकि इसका लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिलता है। लोग बैंक का लोन लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं, और हम लोग नेशनल लोक अदालत से बैंक से ज़्यादा किस तरह मिलेगा उसका निष्पादन करते हैं। साथ ही कोर्ट रिलेटेड केस का भी काफ़ी संख्या में निष्पादन होता है। जमशेदपुर के ट्राइबल कल्चरल सेंटर में ओलची की और संथाली भाषा के शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। वहीं पहली बार संथाली भाषा के लिए विशेष रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे इन दोनों भाषाओं के शिक्षकों को काफी लाभ मिलेगा। वैसे इस प्रशिक्षण शिविर में पूरे झारखंड के लगभग सभी जिलों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें प्रशिक्षण के बाद इन भाषाओं का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि टाटा स्टील द्वारा संचालित ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी की ओर से झारखंड के जनजातीय भाषाओं का प्रचार प्रसार को लेकर इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाता है। ये 4 दिनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संथाली ओलची की स्क्रिप्ट में जो पढ़ाई होता है बहुत सारे सेंटर में, तो शिक्षक लोगों का प्रशिक्षण है, जिसमें और चिकी स्क्रिप्ट या चिकी को किस तरह से आसानी पूर्वक बच्चे सीख सकेंगे, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
उद्देश्य है संथाली भाषा को और विकास करने के लिए और ओलचिकी स्क्रिप्ट में संथाली भाषा को आगे तक ले जाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और बहुत सारा ओलचिकी स्क्रिप्ट सिखाने के लिए बहुत सारा सेंटर चलाए जा रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सके और बच्चों की भी प्राइमरी लेवल से लेकर के पीजी तक ओलचिकी स्क्रिप्ट में और संथाली भाषा को पढ़ाई कर सके। पुलिस के मनमाने रवैये के विरोध में जमशेदपुर युवा कांग्रेसियों ने एसएसपी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के विरोध में यहां जमकर नारेबाजी भी की। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजीव रंजन ने टाइगर मोबाइल के जवानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पिटाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कल शाम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बारद्वारी जा रहे थे तभी टाइगर मोबाइल जवान के 5 सिपाहियों ने उन्हें रोककर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बुरी तरह पिटाई कर दी। उन्होंने कहा कि ये दूसरी घटना है, इससे पूर्व भी कदमा पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई की थी। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी जवानों पर पुलिस कप्तान कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में युवा कांग्रेस जोरदार आंदोलन चलाएगी। लगातार दूसरी घटना ये जो हमारे युवा कांग्रेस के साथियों के साथ किया गया, वो भी जो कि जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वो खुद आज भक्षक का रूप अपना रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज किया जा रहा, मारा जा रहा है। ये पूरी युवा कांग्रेस की तरफ से हम लोग इसकी पूरी घोर निंदा करते हैं। कल शाम 6:30 बजे जिस तरीके से हमारे युवा कांग्रेस के 3 साथी अपने निवास से ओल्ड बारद्वारी मैदान पर वॉकिंग के लिए जा रहे थे, एक बाइक पर अपने 3 साथियों के साथ जा रहे थे, जो कि प्रशासन ने बिना पूछे टाइगर मोबाइल के जो 3-5 जवान वहाँ मौजूद थे रामलीला मैदान के पास में, उन्होंने गाड़ियों को रोका, बिना कुछ बताए पूछे उन पर लाठी से डंडे से मारना चालू कर दिया, लात घूसों तक मारा इन लोगों ने। उन पर वार किया गया है, ऐसा मानो जैसे लगता है कोई अपराधी छवि के आदमी को मारा गया हो। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज़ के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रवि की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखे, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ, मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। पिछले दिनों रांची में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्जुन मुंडा के तैयार किए गए रोड मैप पर सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी, इस पर जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह विधायक कुणाल षडंगी ने टिप्पणी की है और कहा है कि सरकार को इससे सबक लेनी चाहिए। एक वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अगर अर्जुन मुंडा के रोड मैप पर सरकार चल रही है तो अर्जुन मुंडा ने सीएनटी, एसपीटी एक्ट, भूमि अधिग्रहण बिल जैसे कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ बोला है और कटाक्ष भी किया है। सरकार आदिवासियों के साथ संवाद कायम नहीं कर रही है, ऐसे में कैसे समझा जाए कि अर्जुन मुंडा के रोड मैप पर सरकार चल रही है। वहीं कुणाल षडंगी ने राज्य सरकार द्वारा बेचे जा रहे शराबों पर एक बार फिर सवाल उठाया और कहा कि सरकार को पिछले एक साल में 1,10,00,000 का नुकसान हुआ है, ऐसे में सरकार ऐसी नीति क्यों बनाती है। साथ ही कहा कि 1 अगस्त से सरकार अपने स्तर से शराब नहीं बेचकर लॉटरी सिस्टम फिर से करने जा रही है, तो जो नुकसान राजस्व का हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का दौरा हुआ तो उन्होंने कहा है कि अर्जुन मुंडा जी के रोड मैप पर ही इस सरकार को काम करना है, कर रही है और आगे भी करेगी। तो ये विरोधाभास जो है ये राज्य की जनता इससे दिग्भ्रमित महसूस कर रही है, क्योंकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी ने कई बार अपनी व्यथा को मीडिया के माध्यम से जाहिर किया है और राज्य सरकार की नीतियों पर उन्होंने धावा बोला है, उसका विरोध भी किया है और उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि इस तरह से संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जनता और सरकार के बीच की दूरी बढ़ रही है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। तो कौन से रोड मैप की बात इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहना चाह रहे थे, ये राज्य की जनता और हम सभी लोग समझना चाहते हैं। चाहे वो स्थानीयता नीति हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन हो, चाहे वो सीएनटी एसपीटी में संशोधन हो और पत्थलगड़ी जैसे संवेदनशील विषय हो, जिस पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि सरकार की जो नीति है उससे जनता का विश्वास हम नहीं जीत पा रहे हैं, जनता दिग्भ्रमित हो रही है। इस सरकार ने जो सुनने में आ रहा है 1 अगस्त से शराब शायद सरकार नहीं बेचेगी और फिर से पुराने सिस्टम पर, लॉटरी के सिस्टम पर वापस जा रही है। इसका कारण है कि सरकार द्वारा शराब बेचे जाने के निर्णय के वजह से 110 करोड़ रुपए का नुकसान राज्य के हमारे खजाने है उसको उठाना पड़ा है, राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का 110 करोड़ रुपया डूबा है। जमशेदपुर के भुयारी कालिंदी समिति द्वारा कालिंदी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन आगामी शनिवार को बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य की महामहिम राज्यपाल शामिल होंगी। एक वार्ता के दौरान समाज के सदस्यों ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज के उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मान दिलाने हेतु इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज में शिक्षा, कला, संगीत आदि क्षेत्रों में अव्वल आने वाले छात्रों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य की महामहिम राज्यपाल शामिल होंगी। हम सब ये प्रतिभा सम्मान समारोह स्थापित किया है और ये 28 सात 2018 शनिवार का दिन तय किया गया है। ये प्रोग्राम सिद्धगोला टाउन हॉल में होगा और इस प्रोग्राम में हम लोग महामहिम राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बुला रहे हैं और ये खास प्रकार समारोह बच्चों को मॉरल बूस्टअप करने के लिए ये कार्यक्रम तय किया है। जमशेदपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थापना दिवस के मौके पर 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को इसके प्रथम दिन बैंक के बिष्टुपुर शाखा परिसर में कई खेलों का आयोजन किया गया। बैंक में वार्षिक सालगिरह के अवसर पर इसका आयोजन 14 एवं 15 जुलाई को किया जा रहा है, जहां पहले दिन बिष्टुपुर बैंक शाखा में इस बाबत विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। वहीं रविवार 15 जुलाई को एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में विशाल खेलकूद समारोह का आयोजन किया जाएगा, इसमें बैंक के सभी शाखाओं के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ।
अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास, हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास, राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। जय के बाद हम फिर हाजिर हैं। आदिवासी जन उत्थान अभियान के तहत सरायकेला जिले में चिन्हित आदिवासी बहुल 67 गांव में उज्ज्वला दिवस मनाया गया। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत सरायकेला प्रखंड के इटाकुदर पंचायत से हुई, जहां पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित कर लाभुकों के बीच गैस चूल्हा व सिलेंडर का वितरण किया गया। वहीं DC छवि रंजन, जिला परिषद अध्यक्ष शकुंतला महाली समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान गैस चूल्हा व सिलेंडर के वितरण के साथ लोगों को सही तरीके से चूल्हा जलाने के तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। अपने संबोधन में DC छवि रंजन ने सभी से सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने की अपील की, साथ ही आदिवासी जन उत्थान के अन्य कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का उन्होंने आह्वान किया। सबसे अच्छी बात यह है इस दिवस का कि इसमें जो कलेक्शन दिया जा रहा है, जो संयोजन दिया जा रहा है प्रत्येक परिवार को, उस परिवार के किसी महिला के नाम पे किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी पहल है। महिला सशक्तिकरण की तरफ ये हमारा बढ़ता हुआ कदम है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में सरकार की और भी जो योजनाएं होंगी उन सब में भी महिलाओं को ही प्रमुखता दी जाएगी। सरायकेला खरसवा जिले के घमरिया प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को आज रेबीज से बचाव और उससे होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। वहीं छात्राओं ने काफी तन्मयता से इस जागरूकता कार्यक्रम का लाभ उठाया। वहीं छात्राओं को जाने माने पशु चिकित्सक डॉक्टर SK रत्नाकर ने जानकारी देते हुए बताया कि रेबीज न केवल कुत्तों के काटने से बल्कि किसी भी मांसाहारी पशुओं के काटने से फैलता है। कार्यक्रम का आयोजन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोरम की ओर से किया गया था। ये कार्यक्रम है, यहाँ पर बच्चों का अवेयरनेस का, स्कूल स्टूडेंट्स के अवेयरनेस का कार्यक्रम करवा रहे हैं। इन्होंने हमें आमंत्रित किया है वक्ता के रूप में। बस अभी आज का जो सब्जेक्ट है वो कुत्ता काटने पे और रेबीज बीमारी जो होता है, वायरल डिजीज है, उसके विषय में बच्चों को विस्तार से बताया जा रहा है कि उससे कैसे बचें, क्या उसका बचाव का है, कुत्ते से किस तरह से उसको बिहेव किया जाए, कैसे उससे बचाव किया जाए, बीमारी अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए, इस सब संबंध में बच्चों को जानकारी दी जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे TV स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।